दर्जन से किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी तेज कर दी है। 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन से तमाम किसान जुड़ने जा रहे हैं। तो बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना में पिछले करीब 67 दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा धरना दे रही है। पूरे मामले में धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी बातें सुनने की जहमत तक नहीं उठा रही है। किसानों की मांग है कि ढाकल हेड से माइनर निकाला जाए, गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, उचाना हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, 13 पद होते हुए सिर्फ एक डॉक्टर है, बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए कोई खास सुविधा भी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार किसानों का कर्ज माफ कर दे। जरूर करेंगे। हम तो जो हरियाणा नहीं, भारत का जो संयुक्त मोर्चा है उसके नीचे ही हम काम कर रहे हैं, और लगातार जो उचाना की कमेटी है हमारे जो दिल्ली से कॉल होती है उस कॉल के ऊपर 100% काम करते हैं। आपने देखा होगा जींद में जो महापंचायत थी उस महापंचायत में उचाना और नरवाना ने बहुत एक अच्छी भागीदारी हमने अपनी दर्ज कराई थी, और जितने भी तामझाम थे उनके अंदर हमने अपना पूरा सहयोग किया था, और आने वाले टाइम में भी तो नस्ल और फसल की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई है, इसको हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जो 20 तारीख की रैली नहीं है, वो जो महापंचायत है उसके अंदर भी हमारा पूरा क्षेत्र पूरी अच्छे तरह से उसमें अपनी भागीदारी देगा, ताकि इस सरकार को हम झुकाने में कामयाब हो पाए। लग रहे हैं आंदोलन का कदम होता प्रजातंत्र के अंदर, देश के अंदर प्रजातंत्र है, लेकिन ये सरकार जंगल राज स्थापित करना चाहती है। इस सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है। आपने देखा रोहतक के अंदर छात्राओं के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि उनकी आवाज थी के जो बलात्कार की कोशिश करी है महिला खिलाड़ी के साथ, उस संदीप मंत्री को गिरफ्तार करे, लेकिन उन छात्राओं की आवाज मुख्यमंत्री की हाजिरी में दबाई गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आज हमने उचाना के अंदर भी जंगल राज की तस्वीर खुलकर सामने आई है, जब DCA भाज गया यहाँ से बिना हमारा मांग पत्र ले, तो इससे दुर्भाग्य पूरा स्थिति पूरे प्रदेश में हो नहीं सकती। आजाद पालवा सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा।